नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। मैं कब हो गया ये? कब हुआ कब? वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के देवताओं के भी राजा। इस तरीके क्या बोला? मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के देवताओं के भी राजा। इस तरीके कौन है ये लोग? दोस्तों यूं तो बीजेपी के सभी नेता मंत्री सभी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी को अपना सब कुछ मानते हैं। इसी बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का प्रधानमंत्री मोदी को देवताओं का राजा बताता यह वीडियो अब सोशल मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। दरअसल वीडियो में आप गौर करें तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और यह बता रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी, वो नरों के ही नेता नहीं बल्कि असुरों के भी नेता हैं। आगे नड्डा जी ने कहा, मोदी जी नरों के ही राजा नहीं बल्कि देवताओं के भी राजा हैं। दोस्तों आप जेपी नड्डा के इस बयान पर, जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री मोदी पर क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर साझा करें। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जेपी नड्डा का यह वीडियो काफी पुराना बताया जा रहा है। दोस्तों यह कोई पहला वाकया नहीं है, इसके पहले भी बीजेपी के कई नेता मंत्री प्रधानमंत्री मोदी को कल्कि अवतार बता चुके हैं। अभी कुछ दिन पहले ही यूपी की शिक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को विष्णु भगवान का अवतार बताया था। जेपी नड्डा का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर सामने आया, तमाम सोशल मीडिया यूजर्स जेपी नड्डा के इस बयान पर उनका मजाक उड़ा रहे हैं। बाबा नाम के यूजर ने कहा, अब ये किसी ने बोल दिया कि नड्डा साहेब रोज सुबह घर के मंदिर में रखी मोदी की तस्वीर की पूजा करते हैं। एक और यूजर ने कहा, फिर राम मंदिर क्यों, मोदी मंदिर बनो नड्डा जी, वैसे स्वागत मंत्री का दर्जा है, आपको एयरपोर्ट पर लेने जाओ, बस यही करो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी पार्टी के।